आइए अब एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। इस टेबल में देखते हैं कि फर्स्ट रो जीवन काल घंटों में दिया हुआ है, जो कि क्लास इंटरवल के फॉर्म में है, जिसका क्लास साइज h = 20 - 0 = 20 है। दूसरे कॉलम में बारंबारता दी हुई है, यानी FI। अब हमें जो बिजली के उपकरण लगे हुए हैं उनका बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है, यानी मोड निकालना है उनका। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए इस टेबल में हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी वाले रो में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 61 है, तो ये हमारा F1 हो गया, और ये 60 to 80 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है, यानी ये मॉडल क्लास हो गया। अब हमें F0 निकालना है। F0 यानी कि मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास से पहले वाला क्लास इंटरवल है 40 to 60 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 52, यानी ये हो गया F0। अब हमें F2 निकालना है। F2 मॉडल क्लास के बाद वाला क्लास इंटरवल है 80 to 100 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 38, तो ये हो गया F2। H हमने निकाला है 20। सारी वैल्यू को हम एक बार नोट कर लेते हैं। H = 20, F0 = 52, F1 = 61, F2 = 38, Model class = 60 to 80, L = lower limit of model class। तो L = होगा 60, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मॉडल क्लास 60 to 80 है और इसकी लोअर लिमिट 60 है, इसलिए L = 60। अब हम मोड निकालेंगे। मोड का फॉर्मूला हम जानते हैं। Mode = L + (L+)(2F1 - F0)/(2F1 - F0)-F2)(H = 60) F1 हमने निकाला है 61 माइनस F0 हमने 52 निकाला है -52 / (2×61) - F0 = 52 - F2 हमने 38 निकाला है -38 × H हमने 20 निकाला हुआ है (62) + 9 / 120 - 90 × 20 = 60 + 9 / 32 × 20 = 60 + 45 / 8 = 65.62. So mode is 65.62। अतः बिजली के उपकरणों का जीवन काल 65.62 वर्ष है।